हेलो बच्चों, आज हम लोग एक अच्छा तीन हिंदी दीपिका, ये एनसीईआरटी से संबंधित पुस्तक है। तो इसमें हम अभ्यास प्रश्न देख रहे थे, तो आज हम लोग इस वीडियो में पाठ 12 गधे की सवारी के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न देखने से पहले हम पाठ की रीडिंग करेंगे, और पाठ की रीडिंग करने के बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि पाठ 12 गधे की सवारी। फिर है परिचयात्मक प्रश्न, बच्चे किस किस प्रकार से शरारत करते हैं, पशुओं के साथ शरारत करने से क्या होता है, और इसके बाद है क्या आपके माता पिता आपको शरारती बच्चों के साथ देखना पसंद करते हैं। इसके बाद प्रतिबिंब है, बच्चों को पशुओं को कष्ट देने वाली शरारतों के परिणामों से अवगत कराना। परिकल्पना है, क्या आपने शरारती गप्पू की पशुओं को कष्ट देने और उसे उसका दंड मिलने की कहानी पढ़ी या सुनी है? तो इस कहानी में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पूरे मोहल्ले में यदि कोई शरारती बच्चा दिन भर होने वाली उठापटक के लिए जाना जाता था तो वह था गप्पू। मोहल्ले का कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पर वह चढ़ा ना हो, कोई गधा उसकी सवारी से नहीं बचा था। गधे पर तो वह इस प्रकार तनकर बैठता जैसे राजा। एक हाथ में नीम की पतली टहनी ले गधे की पूंछ के पास मारता, और मार खाकर गधा अपनी सुस्ती उतार कर थोड़ा लपकने लगता। उसके पीछे गप्पू से छोटे परंतु उससे अत्यंत प्रभावित 15-20 बच्चों की टोली रहती थी, जो संभवतः उसे अपना मुखिया मानती थी। जब वह इस प्रकार गधे की सवारी करता तो टोली तालियां बजाकर हंसती हुई उसके पीछे चलती। इस कोलाहल से गधा बिदक कर भागने लगता, जिसे बिना किसी लगाम के गप्पू वश में करने की कोशिश करता, और करता हुआ मजबूती से जमा रहता। एक दिन इसी क्रम में गप्पू को लगा कि वह बिदके हुए गधे पर और अधिक नहीं टिक पाएगा। उसने स्वयं को तैयार किया और मौका देखकर गधे से करवट के बल गिरा तथा कुछ दूर तक लुढ़क कर खड़ा हो गया। गधे की सवारी और हालातों से निपटने में वह माहिर था, सो बिना चोट खाए खड़ा होकर शरीर से धूल तिनके झाड़ने लगा। गप्पू अपने साथियों से बोला, देखो अगले हफ्ते होली है, दोपहर तक रंग खेल कर उसके बाद गधे की पूंछ में कनस्तर बांध कर मैं अपनी सवारी निकालूंगा, तुम सब तैयार हो? हाँ, टोली के बच्चों ने हाथ उठाकर समूह में उत्तर दिया। परंतु होली तक किसे प्रतीक्षा करनी थी। अगले दिन ही गप्पू ने एक खाली कनस्तर की व्यवस्था की, उसमें छेद करके रस्सी बांधी और टोली के बच्चों को साथ लेकर मैदान की ओर चल दिए गधे की खोज में, यानी मैदान की ओर चल दिया गधे की खोज में। दूर उन्हें एक गधा घास चरता हुआ दिखाई दिया। गप्पू ने कनस्तर भूमि पर रख दिया और बोला, देखो जब मैं उस पर चढ़ जाऊंगा तभी चिंकू चुपके से उसकी पूंछ में कनस्तर की रस्सी बांध देगा, फिर मैं उसे दौड़ाऊंगा, देखो कितना मजा आएगा। हाँ, सभी बच्चों ने तालियां पीटकर कहा। गप्पू आराम से चलता हुआ चढ़ते हुए गधे के समीप गया। यह एक बड़ा और तगड़ा गधा था। गप्पू उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। गधा शायद अधिक भूखा था। उसने अपने शरीर को हिलाकर गप्पू की योजना पर पानी फेरने का प्रयास किया, परंतु गप्पू वहाँ कहाँ मारने वाला था, वह उचक कर उसकी पीठ पर बैठ गया। ऐसा होते ही गधे ने चरना छोड़ दिया और इधर उधर भागने लगा। कभी वह अगले पैर उठाकर पिछले पैरों पर खड़ा होता तो कभी आगे की ओर झुक जाता। यह सब वह बड़ी फुर्ती से कर रहा था। वह जैसे गप्पू को अपने ऊपर उछाल रहा था। गप्पू को कोई भी मौका टिकाने का नहीं मिल पा रहा था, सॉरी, मौका टिकने का नहीं मिल पा रहा था।
अचानक उसने गप्पू को उछाल कर एक ओर फेंक दिया और तड़ातड़ उस पर दुलत्तियाँ जमाने लगा। गप्पू चीखता लुढ़कता रहा, परंतु गधे को आज सारी कसर पूरी करनी थी। जब तक सारे बच्चे पहुंचकर किसी प्रकार गधे को भगा पाते, गधे ने गप्पू की पूरी तरह से मरम्मत कर दी थी। बच्चों ने कनस्तर बजाकर पत्थर मारकर गधे को भगाया। बच्चों ने देखा गप्पू पीड़ा से कराह रहा था। उसमें उठने की भी शक्ति ना थी। उसका मुंह सूज गया था, गालों पर नील पड़े हुए थे, नीचे के ओंठ पर गहरी चोट थी, वह दांतों से खून बह रहा था। वे सभी किसी प्रकार से उसे सहारा देकर घर लाए। पता चलते ही पूरे मोहल्ले के स्त्री पुरुष उसे देखने आए। चंदू चाचा ने उपस्थित जनों से कहा, ये तो होना ही था। जब कोई गधे से गधे जैसा व्यवहार करेगा तो गधा दुलत्ती तो मारेगा ही। सभी ने अपने अपने बच्चों से गप्पू का साथ छोड़ने और किसी भी पशु को न सताने की सीख दी। बच्चों ने गप्पू की दुर्गति देखकर माता पिता की सलाह मानने में ही भलाई समझी। गप्पू ने भी अब गधों से तौबा कर ली है। गधे को सामने पाकर वह अपना रास्ता बदल लेता है। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास कार्य देखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। पहला दिया गया है कि पूरे मोहल्ले में यदि कोई बच्चा शरारत के नाम से जाना जाता था तो वह था, नंबर आ चिंटू, नंबर बा गप्पू, नंबर बा पप्पू और नंबर सा गप्पू। तो इसमें ये सा ऑप्शन सही है, यानी गप्पू। अब इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, गप्पू शरारत करता तो उसके पीछे पीछे, नंबर आ उससे छोटे बच्चे रहते थे, नंबर बा उसकी उम्र के बच्चे रहते थे और नंबर सा उससे बड़े बच्चे रहते थे। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ हो जाएगा, आ ऑप्शन सही है, उससे छोटे बच्चे रहते थे। तो हम इसके सामने इसमें सही का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, गप्पू ने अगली शरारत के लिए, नंबर आ होली तक प्रतीक्षा की, नंबर बा होली तक प्रतीक्षा नहीं की और नंबर सा किसी विशेष दिन को चुना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि होली तक प्रतीक्षा नहीं की। आगे आता है कि बच्चों ने कनस्तर बजाकर पत्थर फेंककर नंबर आ गधे को मनाया, नंबर बा गधे को भगाया और नंबर सा है गधे को सताया। तो इसमें बा ऑप्शन सही हो जाएगा, गधे को भगाया, और यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आता है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें शब्द ये ओवल के आकार में जो दिया गया है, इसमें सहायता में दिया गया है, गधा है, मुखिया है, खाली कनस्तर है, समीप है, माहिर है। तो इन्हीं शब्दों की सहायता से हमें इस वाक्य को पूरा करना है। बच्चे गप्पू को अपना मुखिया मानते थे। गधे की सवारी और हालातों से निपटने में गप्पू माहिर था। अगले दिन ही गप्पू ने एक खाली कनस्तर की व्यवस्था की। दूर उन्हें एक गधा घास चरता हुआ दिखाई दिया। गप्पू आराम से चलता हुआ गधे के समीप गया। अब इसके बाद है गा, सही कथन के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। पशुओं के साथ शरारत करना अमानवीय है, ये सही है। गप्पू जैसे बच्चों के साथ रहकर अन्य बच्चे भी समझदार बन जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि गप्पू तो खुद ही शरारती था। किसी भी पशु पर शरारत व सवारी से गंभीर दुर्घटना हो सकती है, ये भी बात सही है। गप्पू द्वारा की गई शरारत से उसे गंभीर चोटें लगी, ये सही है। शरारत का परिणाम देख गप्पू ने गधों से तौबा कर ली, ये भी सही है। अब इसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। पहला है दुलत्ती, प्रभावित, कनस्तर, दुर्गति, प्रतीक्षा और सुस्ती। अब उसी में आगे दिया गया है अंगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसे मैं कॉपी में नोट कर लिया है। गप्पू किस बात के लिए पूरे मोहल्ले में जाना जाता था? तो गप्पू अपनी शरारत के लिए पूरे मोहल्ले में जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि जब गप्पू गधे पर चलता तो टोली के बच्चे क्या करते थे?
तो इसका उत्तर है कि जब गप्पू गधे पर चलता तो टोली के बच्चे तालियां बजाकर हंसते हुए उसके पीछे चलते थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि होली पर गप्पू ने क्या करना तय किया था, तो इसका उत्तर है कि होली पर गप्पू ने दोपहर तक रंग खेलकर उसके बाद गधे की पूंछ में कनस्तर बांधकर अपनी सवारी निकालना तय किया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि गधे ने गप्पू को किस प्रकार सबक सिखाया, तो इसका उत्तर है कि गप्पू के गधे पर बैठते ही गधा तेजी से उछल कूद करने लगा। यहाँ पे हमने ये लिख दिया है कि गप्पू को कोई भी मौका टिकने का नहीं मिल रहा था, तो मिल पा रहा था, तो ये ज़रूरी नहीं है, इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। इसी के आगे हम, क्योंकि इसका उत्तर बहुत लंबा हो जाएगा, इसको 60 में हमें लिखना है, क्योंकि कक्षा 3 में बच्चे छोटे होते हैं, इतने बड़े प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो अचानक गधे ने गप्पू को उछाल कर एक ओर फेंक कर उस पर तड़ातर दुलत्तियाँ जमाने लगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न कि चंदू चाचा ने उपस्थित जनों से क्या कहा, तो इसका उत्तर है कि चंदू चाचा ने उपस्थित जनों से कहा, ये तो होना ही था, जब कोई गधे से गधे जैसा व्यवहार करेगा तो गधा दुलत्ती तो मारेगा ही। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, बच्चों पर माता पिता की सलाह का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका उत्तर है कि बच्चों ने गप्पू की दुर्गति देख कर माता पिता की सलाह मानने में ही भलाई समझी। अब इसके बाद ये 4 दिया गया है उसी में प्रश्न संख्या, तो रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों को सुमेल कीजिए। इसमें गप्पू ने, तो ये पहला जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, गप्पू ने एक खाली कनस्तर की व्यवस्था की, तो इसमें इसको हम पहले से इनको दा से मिला देंगे, यानी पहले को दा से मिला देंगे। गप्पू ने एक खाली कनस्तर की व्यवस्था की। फिर है दूसरा, गप्पू गधे की पीठ पर, तो इसमें दूसरा हो जाएगा हाथ फेरने लगा। इसके बाद तीसरा है, वह उचक कर, तीसरा है उसकी पीठ पर बैठ गया। इसके बाद चौथा है, यह एक बड़ा, और इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा, और तगड़ा गधा था, और बच्चों ने पत्थर मार कर गधे को भगाया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।